हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, टोयोटा ने अपनी एक और एसयूवी को लॉन्च कर दिया है 7,74,000 रुपए के शोरूम प्राइस में, और उसका नाम है अर्बन क्रूजर टाइजर। तो आज की इस वीडियो में चलिए इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में कितने वेरियंट्स है, हर वेरियंट्स का प्राइस क्या है, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलता है, और उसके बाद इस गाड़ी में सेफ्टी के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है, तो ये सब कुछ आज डिटेल में बात करने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें तो इस गाड़ी में टोटल चार वेरिएंट्स मिलते हैं, बेस मॉडल ई, उसके बाद एस, मिड वेरिएंट जी या फिर सेकंड टॉप जी, उसके बाद टॉप वेरिएंट वी, और इन वेरिएंट्स को ही अलग अलग ऑप्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहले वो जान लेते हैं, साथ में एक शोरूम प्राइस भी। बेस मॉडल ई की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 7,74,000 रुपए से, और इसी वेरियंट में आपको सी एन जी का भी ऑप्शन मिलता है जिसका प्राइस है 8,72,000 रुपए। उसके बाद आती है एस वेरिएंट जिसकी एक शोरूम कीमत है 8,60,000 रुपए, ये मैनुअल प्राइस है। और इसके बाद आते हैं इसी वेरिएंट में एएमडी का ऑप्शन जिसका प्राइस है 9,13,000 रुपए। इसके ऊपर है एस प्लस वेरिएंट जिसकी कॉस्टिंग है 9 लाख रुपए, मतलब 40,000 रुपए ज्यादा एस वेरियंट से, और इसकी ऑटोमेटिक वेरियंट का प्राइस है 9,53,000 रुपए। उसके बाद आते हैं जी वेरियंट, इस वेरियंट से आपको टर्बो इंजन मिलना शुरू हो जाता है जिसका प्राइस है 10,56,000 रुपए, और इसका ऑटोमेटिक का वेरिएंट है 11,96,000 रुपए। उसके बाद आता है भी वेरिएंट जिसकी एक शोरूम कीमत है 11,48,000 रुपए, और इस वेरिएंट के ऑटोमेटिक की कीमत है 12,88,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको 1 लीटर टर्बो की एएमटी वेरिएंट के लिए। उसके बाद आते हैं वी डी टी, मतलब भी वेरिएंट की डुअल टोन जिसकी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में मैनुअल में आपको प्राइस पड़ेगा 11,64,000 रुपए, और एमटी में मिलेगा आपको 13,04,000 रुपए। तो ये तो गया प्राइसिंग के बारे में। उसके बाद आते हैं इंजन ऑप्शन में, तो इस गाड़ी में आपको दो तरह का इंजन ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, जो लगभग 88.5 bhp और 113 nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। उसके अलावा इसी वेरिएंट में आपको सीएनजी का भी ऑप्शन दिया गया है इसी इंजन के साथ, जो लगभग 76 bhp और 98 nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और दूसरा इंजन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, जो लगभग 98.69 bhp और 147.6 nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। एक्सटीरियर में इस गाड़ी के मेड वेरिएंट से ही एलईडी हेडलैम्प, डीआरएल, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम, एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और इंटीरियर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, फ्रंट फुटवेल लाइट, रियर पार्सल ट्रे और 4.2 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। डायमेंशंस की बात करें तो गाड़ी में फ्रॉन्क्स जितना ही स्पेस, फ्रॉन्क्स जितना ही डायमेंशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि गाड़ी है फ्रॉन्क्स। लेंथ की बात करें तो लेंथ है 3,995 mm, विड्थ है 1,765 mm, हाइट है 1,550 mm और व्हील बेस है 2,520 mm। बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको फ्रॉन्क्स वाला ही मिलता है 308 लीटर की। अभी बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में बेस मॉडल में ही ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सीट स्पीड अलर्ट, हिल असिस्ट और आइसोफिक्स चार्ज सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और टॉप वेरिएंट में इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, एंटी थेफ्ट अलार्म, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, ये सब मिल जाते हैं। फिर आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में, तो इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सारे चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, हीटर मिल जाते हैं, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं इस गाड़ी में, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट चारों के चारों, रियर सीट क्रूज कंट्रोल भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में, कीलेस एंट्री मिल जाता है, इसके रियर सीट फोल्डेबल है 60:40 में, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है फ्रंट एंड रियर में, दोनों जगह यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं विद स्टोरेज, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, वो भी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, टाइप एंड टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, वायरलेस फोन चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और माइलेज की बात करें तो माइलेज भी बढ़िया मिलने वाला है इस गाड़ी में,
21.7 केएमएल से लेकर 28.5 किमी पर केजी तक का माइलेज मिलने वाला इस गाड़ी में। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं इस गाड़ी को लेकर। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।